जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में बुजुर्गों के खाते में 5100 पेंशन आनी शुरू। हरियाणा में 57,000 बुजुर्गों के खाते में 5100 बुढ़ापा पेंशन की राशि पहुंच चुकी है। बच्चे जो भी और कई लोग हैं जिनको अभी बुढ़ापा पेंशन का लाभ नहीं मिला है, उनके लिए ये भी खबर बहुत सौगात लाती है, क्योंकि अब उनके खाते में जल्द से जल्द डालने के आदेश जारी किए गए हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि 55 वर्ष से बुजुर्गों को दी जाएगी पेंशन और लगातार उनके खाते में आनी भी शुरू है। हरियाणा में कार्यालय पर नायब सिंह सैनी ने 55 वर्ष से बुजुर्गों की पेंशन पर लगाई मोहर। कहा कि 55 वर्ष के बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन का लाभ दिया जाएगा, जिसे उन्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। हरियाणा में कई वृद्ध ऐसे थे जिन बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन का लाभ नहीं मिलता था। 80-80 आयु वर्ष पूरी कर लिया था, फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हरियाणा में कई बुजुर्गों की सच नहीं पता है कि वो कितने वर्ष के हो चुके हैं। इसीलिए हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने एक नई रणनीति बनाई है, जिसमें कोई भी वृद्ध जैसे ही 55 वर्ष का हो जाएगा, वैसे ही उसकी बुढ़ापा पेंशन आनी शुरू हो जाएगी अपने आप, बिना आवेदन किए उनके खाते में पेंशन आएगी। दोस्तों जुड़े रहें एडी न्यूज़ से। एडी न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। धन्यवाद।